दिसंबर तक चीन में रिलीज हो सकती है। संजू नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार को मिले हैं डिजिटल राइट्स। रणबीर कपूर स्टारर संजू 300 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। फिल्म की सफलता से फॉक्सटार स्टूडियोज बेहद खुश हैं। वहां के सीईओ विजय सिंह बताते हैं कि चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। मुमकिन है कि इस साल के एंड तक इसे चीन में रिलीज किया जाए। दरअसल चाइनीज दर्शकों को इमोशनल फिल्में बहुत पसंद आती हैं। दंगल में बाप बेटी का इमोशनल रिश्ता था और इस फिल्म ने चीन में इतिहास रच दिया। संजू में बाप बेटे के रिश्ते की यूनिवर्सल अपील है, लिहाजा वहां के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। संजू के डिजिटल राइट्स हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों को ही दिए गए हैं। जल्द ही दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी स्ट्रीमिंग डेट अनाउंस करेंगे। कलेक्शन के लिहाज से रणबीर कपूर की पहली सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म है। इससे पहले उनकी ये जवानी है दीवानी, ए दिल है मुश्किल और बर्फी 100 करोड़ के आगे गई थी, लेकिन 125 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई थी। संजू की वजह से जुलाई के शुरुआती 2 हफ्तों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई। 6 जुलाई को हॉलीवुड की फिल्म एंटमैन एंड द वास्प रिलीज होनी थी, लेकिन उसकी रिलीज टाल दी गई। 13 जुलाई को इसे सूरमा के साथ रिलीज किया गया और 20 जुलाई को आई है धड़क, जिसमें जानवी कपूर और ईशान खट्टर हैं।